Thank you.
माता आशापूर्णी मंदिर में हमेशा जो है फंक्शन होते रहते हैं, माता रानी का जागरण होता रहता है, माता रानी की बेटे का इज्जती है, माता रानी की आरती की जाती है। जैसे कि चेतर के नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में माता रानी को पूरी तरह से पूरी जो कठुआ शहर और उसके अलावा आसपास के इलाकों से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। इसी के संदर्भ में गायत्री जी जो महंत है आशापूर्णी मंदिर के, उन्होंने होलियों पर ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा है माता, इसमें सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इसकी आरती की जाएगी, इसमें बेटे गाई जाएगी, नृत्य कीर्तन किया जाएगा। सभी बहनों से और भाइयों से और बच्चों से ये अनुरोध है कि वो सुबह 6 बजे माता रानी आशापूर्णी मंदिर में पहुंचकर अपनी भागीदारी दे और माता रानी का आशीर्वाद ले। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सभी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। और जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, आज बुधवार, कल वीरवार और शुक्रवार इसको विराम दिया जाएगा, और उसमें जो है प्रसाद ग्रहण करे सभी बहने। धन्यवाद, शुक्रवार। श्री मंदिर माता आशापूर्णी में माता आशापूर्णी जी की प्रेरणा से ही होलियों के उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे सभी की तरफ से जो माता रानी के भक्त हैं, वो सुबह 6 बजे माँ के चरणों में माँ का गुणगान, भेंट, नृत्य कीर्तन का होता है। उपलक्ष्य में मैं सभी से आह्वान करूंगा, आज प्रथम दिन था तो आज विभिन्न वर्गों के लोग आए माँ के चरणों में नतमस्तक हुए और माँ का गुणगान करके माँ का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। सभी से प्रार्थना है वे कल बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे और शुक्रवार को जो कि तीसरे दिन का समापन होगा उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने जीवन को सफल बनाए। मैं पुनः प्रार्थना करूंगी कि जहां जहां तक माँ के भक्तों की मेरे मीडिया के थ्रू जहां जहां भी ये संदेश जाता है, सभी लोग इस पुण्य कार्य में भागियों के माँ का दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले और अपने जीवन को सफल